जैसे जैसे भारत की आबादी बढ़ी, खाने वालों की संख्या और उनकी जरूरत की पूर्ति के लिए कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होने लगी। बढ़ते कृषि उत्पादन ने खेती में सहायक पेस्टिसाइड्स की डिमांड अप्रत्याशित रूप से बढ़ा दी। ऐसे में पेस्टिसाइड्स के बढ़ते उपयोग से इनके निर्माताओं को मनमाने दाम पर दवाइयां बेचने की छूट मिल गई। इसी को नियंत्रित करने के लिए अब पहले से अधिक बेहतर और प्रभावशाली कानून की आवश्यकता थी, जिससे किसानों को खेती में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां आसानी से उनके बजट में और कम दाम में मिल सके। और इसी के लिए लाया गया पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल 2017, जिसका उद्देश्य है खेती में इस्तेमाल किए जाने वाले पेस्टिसाइड्स का इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, उनका प्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, क्वालिटी और इस्तेमाल को नियंत्रित करना, जिससे कीटों में कमी आए, किसानों को अच्छी क्वालिटी के पेस्टिसाइड्स मिले, पेस्टिसाइड्स से होने वाले फायदे और नुकसानों को सुनिश्चित करने के बाद ही उनके उपयोग की अनुमति मिले, उपयोग किए जा चुके पेस्टिसाइड्स के बचे हुए हानिकारक अवशेषों से कृषि फसल को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके, किसानों में अच्छी गुणवत्ता वाले और सुरक्षित पेस्टिसाइड्स के प्रति जागरूकता आए, इंसान, जानवर और पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले पेस्टिसाइड्स की बिक्री पर रोक लगाई जा सके। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार लंबे वक्त से संसद में लंबित पड़े पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल 2017 को बहुत जल्द ही लागू करने वाली है। ये बिल 1968 में पारित किए गए इंसेक्टिसाइड्स एक्ट की जगह ले लेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार इस बिल के लिए एक अलग प्राधिकरण का गठन करेगी, जो सुरक्षा मानकों पर खरे उतरे पेस्टिसाइड्स की कीमतें निर्धारित करेगी और उन्हीं को मार्केट में बिक्री की मंजूरी देगी। इसके अलावा एक केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड भी होगा, जो समय समय पर किसानों का मार्गदर्शन करेगा, जिससे वो असुरक्षित और हानिकारक कीटनाशकों के प्रयोग से दूर रहे। भारत में हर साल पेस्टिसाइड्स पॉइजनिंग के लगभग 10,000 मामले सामने आते हैं। ऐसे में बाजार में खुलेआम बिक रहे हानिकारक और वाजिब मूल्य से कई गुना अधिक कीमतों पर बिक रहे पेस्टिसाइड्स पर रोक लगना बहुत जरूरी है। उम्मीद है नया पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल किसानों के लिए राहत और बाजार में उत्तम गुणवत्ता वाला खाद्य अनाज और फल सब्जियां लेकर आएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिवांगी परमार की रिपोर्ट।